हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के लेक्चर नंबर 7 जो होने वाला है सॉलिड स्टेट का। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और अगर आज ये लेक्चर आप देख लेते हो तो भाई कंफर्म बोल रहा हूँ कि आपको हर एक कंटेंट आपको दिमाग की नसों में बैठ जाएगा। लिख के ले लो पेपर पे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आज का जो कंटेंट होने वाला है वो है पूरा का पूरा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है पहले जरा ये समझ लेते हैं। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल जब आप किसी जगह पर रखते हो, लाइक आप इस कमरे की अगर बात करेंगे तो इस कमरे में जो सामान मैंने रखा है उस सामान ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर वो मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालूं तो जो हमें मिलेगा, जो भी फ्रैक्शन मिलेगा या जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है सामान के थ्रू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसे ही हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। नहीं समझा? चलो दिखाता हूं। मान के चलो कि ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हमने क्या किया है, कुछ सामान रख दिए। लाइक मैंने क्या किया, एक छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ रखा है कुछ कोई सामान का, ठीक है। एक मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक मैंने यहाँ रखा हुआ है और ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब इस बॉक्स में ये जो चार छोटे छोटे तुम्हें डब्बे दिख रहे हैं या बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये चारों कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में। तो अगर मैं इसको देखूं, ये जो टोटल एरिया दिख रहा है मुझे या वॉल्यूम इसको मैं बोलूंगा, ये मेरा टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम मैंने कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। देखो ये हो गया टोटल वॉल्यूम और ये बॉक्स ने कितनी जगह कवर की है, ये छोटे वाले बॉक्स ने, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दैट विल बी स्पेस या वॉल्यूम, स्पेस बोले तो भी चलेगा, वॉल्यूम बाय स्मॉल बॉक्स, बराबर वॉल्यूम कवर्ड बाय स्मॉल बॉक्स जो भी रहेगा। अब इसको आपने क्या किया, इनटू 100 कर दिया, तो दैट विल गिव प्रॉपर एक परसेंटेज मिलेगा जो हमें ये बताएगा कि भाई इन लोगों ने इस पूरे में इतनी जगह कवर की। जैसे आप मार्क्स निकालते हो, टोटल 100 मार्क का पेपर, तो आउट ऑफ 100 आपको कितने मिले, तो उतना आपका कैपेसिटी, उतना आपका उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंसी, बराबर ना, आप कितना समझते हो उस चीज को। वैसे ही यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी, पार्टिकल्स जो है किसी भी जगह को कितना कवर किया हुआ है उस पर्टिकुलर स्पेस में, वही क्या होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। चलेगा? प्यारा सा डेफिनेशन है, चलो अभी आपको लिखा के देता हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा? चलो दिखाता हूँ। चलिए तो बात करते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन की, क्या है इसका प्रॉपर डेफिनेशन। आप देख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी लिखना है जिसको, तो पहले बैठ जाता हूँ, लिख लो अच्छे से, क्लियर है। चलो पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और पार्टिकल्स। मतलब कि अगर मान के चलो कि अब यहाँ पे हम किसके बारे में, अब जनरली मैंने आपको कैसे समझाया कि एक रूम लेके समझाया, एक बॉक्स लेके समझाया, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, एक्चुअल में इस केस में हम एक यूनिट सेल लेते हैं। आपको पता यूनिट सेल का मतलब, इस तरह से मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो अब जब आप क्यूब बना लेते हो तो आपको पता है कि हर क्यूब के कोने पे क्या होता है, एक एक पार्टिकल्स हम अरेंज करते हैं, तभी तो क्यूब बनता है। तो ये क्यूब है, याद आ रहा है सबको, ये सब ऑलरेडी आप सीख चुके हो, ये सब आपके लिए बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ये क्यूब जब आपस में हम बनाते तो आपको पता है कि इसका हर एक क्यूब का सिर्फ 1/8 पार्ट ही इसके अंदर यूज़ होता था, याद है 1/8 पार्ट इसका यूज हुआ, 1/8 ऐसे ऐसे करके 8 पार्टिकल होते, तो टोटल मिला के सिर्फ 1 पार्टिकल यूज हुआ है। मतलब अगर मैं इस क्यूब के टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो ये कितना है, ए, ये कितना होगा, ये भी ए होगा, ये कितना है, ए। मतलब टोटल जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो ए क्यूब है टोटल। बस उस ए क्यूब में से जो इस सेल ने या स्फीयर ने या पार्टिकल्स ने, जो भी आप बोलो, ये स्फीयर बोलो इसको, पार्टिकल्स बोलो, एटम बोलो, इसने कितना जगह कवर किया इस पूरे यूनिट सेल में, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक्चुअल में ये 1/8 × 8, मतलब ये 1 पार्टिकल का यूनिट, मतलब वॉल्यूम ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम में बोलूँ चलेगा, पार्टिकल्स बोलूँ चलेगा, एटम पार्टिकल्स जो आपको बोलना है बोल लो। आ रहा है समझ में? मतलब कि ये एक्चुअल में इसका मीनिंग होने वाला, इसके लिए, किसके लिए, इस यूनिट सेल के लिए, इस यूनिट सेल के लिए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अच्छा यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम तो है ए क्यूब, और जो इस केस में, मतलब ये कौन सा केस में ले रहा हूँ, सिंपल वाला, सिंपल क्यूबिक सेल, याद है ना। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हर एक पार्टिकल जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन देता था और एक एटम पूरा यूज होते थे, तो उस एक एटम का जो भी वॉल्यूम होगा, एक एटम का वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, दैट इज बेसिकली ऑक्युपाइड बाय द एटम, या वो स्पेस उस एटम के द्वारा कवर की गई है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो है वो यूनिट सेल का उसमें से, बराबर ना। तो अगर इसको इनटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज मिल जाएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्लियर है। वही हमें डेरिवेशन में समझना है, वही हमें लिखना है, चलेगा। तो वो आपको सिखाऊंगा मैं इसके बाद, टेंशन मत लो। बट अभी जो है कि डेफिनेशन पर्पज से क्या करना है, आपको सिंपल क्यूबिक सेल के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट सेल बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई
जो फ्रैक्शन है या फिर जो परसेंटेज है कि टोटल स्पेस में से कितना ऑक्यूपाई किया गया यूनिट सेल के द्वारा या पार्टिकल्स के द्वारा, यूनिट सेल नहीं पार्टिकल्स के द्वारा, टोटल में से पार्टिकल्स ने कितना कवर किया है, दैट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है उसने कितना जगह कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल कितना उसका वॉल्यूम है, दैट विल बी ए क्यूब। ये तो फिक्स होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यूनिट सेल का हमेशा एल इंटू बी इंटू एच होगा, तो अल्टीमेटली ए इंटू ए तो ए क्यूब ही होने वाला है, ठीक है। बट स्पीयर जो होगा वो हमेशा नहीं बोला चेंज होता रहेगा, क्यों, क्योंकि स्पीयर में जैसे अभी एस सी सी में ले लो एक एटम होते हैं, बी सी सी में दो होते हैं, फिर एफ सी सी में चार होते हैं, तो वहाँ पे एटम बदल रहा है ना, एक एटम का वॉल्यूम कम होगा, दो एटम का दो से मल्टीप्लाई, चार एटम का चार से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से चीज़ें बदलेंगे, चलेगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? चलो अब मैं अगला कंटेंट समझाता हूँ, ये सबका लिख के हो गया अच्छे से। चलो अब मैं अगला कंटेंट समझा रहा हूँ, पहले समझ लो, दिमाग को ट्रेन कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे लिखना है क्या करना है, ठीक है। देखो जरा अगला कंटेंट ये है कि अब हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, ध्यान से सुनो ये एक्सप्लेनेशन जा रहा है, लिखना आपको सिर्फ इतना ही था, इतना ही लिखना था अभी तक, अब ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एस सी सी, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो सिंपल जो क्यूबिक सेल है उसका हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, के मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स जो हैं, बेसिकली जगह कितना कवर किया है, टाइटली पैक है कि लूजली पैक है, ये हमें बताना है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यही होता है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कैसे करेंगे। देखो जनरली क्या होता है कि ये पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या होता है, दूसरे को टच करते हैं, वो तो हमने स्टडी पर्पज के लिए दूर दूर बनाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही बताया था। तो ये एक्चुअल में ऐसे रहेंगे, राइट, ये एक्चुअल में ऐसे रहेंगे, मतलब इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, वापस में से हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर ये मेरा एक लेंथ होता था यूनिट सेल का, तो मतलब दैट विल बी टोटल ए, अगर सिंपल बोलने जाऊँ तो, राइट। और ये क्या है, मेरा आर है, ये भी आर है, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि ए इक्वल टू टू आर ऐसा हो सकता है, या फिर आर इक्वल टू ए बाय टू, ये पैटर्न भी हम कहीं कहीं पर देखेंगे, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्यूबिक सेल की बात हो रही है। अब सिंपल क्यूबिक सेल का एक चीज़ समझना हमको, चार स्टेप्स सिंपल क्यूबिक के लिए नहीं, सबके लिए, जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो आपको चार स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि फिक्स्ड है। स्टेप नंबर वन ध्यान से देखो, बाद में आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा सब। पहला आपको हमेशा याद रखना कि जब भी आप इससे डील करेंगे तो हमेशा आपको रेडियस ऑफ स्पीयर निकालना होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ स्पीयर मतलब समझ रहे, जो एटम आप लेने वाले, जो पार्टिकल्स आप लेने वाले, उसका रेडियस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हाँ ये देखो ये पार्टिकल्स, उसका रेडियस आर है, तो दैट विल बी रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, मतलब ए, तो वो रिलेशन हमें निकालना होगा, दैट इज रेडियस का वैल्यू निकालना। तो अगर यहाँ पे रेडियस का वैल्यू निकालेंगे तो ए बाय टू दिख रहा है मुझे, क्लियर है। सेकंड पॉइंट ध्यान देना जरा, रेडियस जब ऑफ स्पीयर एटम पार्टिकल जब निकल जाएगा, तब उसके बाद उसी एटम का हम वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बोल सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, सिर्फ एक ही स्पीयर का, सबका नहीं, एक ही स्पीयर का, वो भी फिक्स्ड है मोस्ट ऑफ, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, 4/3 πr³। अब r का वैल्यू आपको ऊपर मिला हुआ है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, r का वैल्यू ले सकते हैं, चलेगा। ये सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल कहा गया, सिंपल क्यूब क्लोज के, क्यूब सेल के लिए नहीं बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। ये कॉमन स्टेप्स हैं, ये स्टेप सबके लिए फॉलो करना है, बट यही स्टेप्स को फॉलो करके हम सबका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। बट ये होगा कि भाई सिंपल क्यूबिक में आसानी से रेडियस मिल जाएगा, किसी में बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रायंगल वरेंगल यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके रेडियस मिलेगा, किसी में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बस यही पैटर्न है, बाकी प्रोसेस है चार ही का फॉलो करने। पहला रेडियस निकालना है स्पीयर का, दूसरा वॉल्यूम निकालना है, तीसरा ये वॉल्यूम तो आपने सिर्फ एक स्पीयर का निकाला है ना, अब आपको उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, मतलब किसमें, अगर मेरा सिंपल क्यूबिक है तो उसमें कितना यूनिट्स, उसमें कितने पार्टिकल्स यूज होते हैं, अगर मेरा बीसीसी है दैट इज बॉडी सेंटर, तो कितने पार्टिकल्स यूज होते हैं, तो उस पार्टिकल के हिसाब से टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, समझ में आ रहा है सबको, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ध्यान से समझो जरा क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कैसे करेंगे, वापस से बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ में। रेडियस ऑफ द स्पीयर कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, बट अभी पैटर्न समझ रहे हैं। पहला हमको रेडियस निकालना है, दूसरा हमको क्या करना है, जो स्पीयर है, जो बॉल है, जिसको हम चिपका चिपका के पूरा यूनिट सेल बनाएंगे, उस बॉल का वॉल्यूम कितना है हम ये निकालेंगे। स्पीयर का जो होता है 4/3 πr³ होता है, जो आर का वैल्यू मिलेगा वो पुटअप करना, वो तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, टोटल वॉल्यूम का मतलब जैसे एस सी सी में सिर्फ एक ही एटम यूज़ करते हैं, तो इस पूरे वॉल्यूम का हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर बी सी सी की बात करें तो उसमें दो एटम टोटल यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हम इस पूरे वॉल्यूम के आंसर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
FCC में चार से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चार एटम यूज होते हैं, तो इस तरह से तुम्हें टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। और जो चौथा पॉइंट होने वाला है, ध्यान देना जरा, अच्छा पॉइंट से बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट जो है वो हम पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो जनरली एक क्यूब फिक्स्ड होता है। चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफकोर्स यूनिट सेल जो होगा उसका वॉल्यूम निकालने के बाद ही। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, a इंटू ई दैट विल बी ए क्यूब, तो हमेशा नीचे ए क्यूब आएगा। कितना बड़ा भी आंसर होने दो ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नीचे हमेशा ए क्यूब आएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में पार्टिकल्स है, कितना जगह कवर किया है, तो आप बोलेंगे इतना जगह कवर किया है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है। बोलो पिक्चर एकदम क्लियर है क्या? मैं ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी अब स्टार्ट करूँ मैं, एकदम ईजी है, कोई डाउट है किसी को? बहुत ईजी होने वाला है, मैं समझाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको, क्लियर है? चलो पहले मैं समझाऊंगा, फिर इसके बाद उसको लिखाऊंगा। अभी मत बोलो सर डायरेक्टली लिखाने वाले का, नहीं, ये भी आपको पूरा स्टेप टू स्टेप इसके अंदर समझाऊंगा। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको समझाया कि ये चार पैटर्न को फॉलो करते हैं, अब ये चारों मैं इसके अंदर करके दिखाऊंगा। पैकिंग एफिशिएंसी पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, फिर टोटल स्पेयर निकालेंगे, फिर पैकिंग एफिशिएंसी, तो हमारा एक पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कन्फर्म एकदम? चलो दिखाता हूं आपको, मैं हर एक चीज एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर करा के दूंगा, ठीक है? चलो चलिए तो बात करते हैं जो हम निकालने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल कैसे होगा, जल्दी देख लेते हैं, हर एक चीज समझेंगे, मजा आ जाएगा आपको। पहले समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे होने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल दैट इज एससीसी, चलेगा? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल दैट इज एससीसी। समझ लो पहले, पार्टिकल्स अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ कोर्स एक दूसरे को टच करेंगे, तो इस तरह से टच करेंगे, आप देख सकते हो ये इस तरह से टच करते हुए रहेंगे एक दूसरे को। तो अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये इस तरह से, हालांकि मुझे पूरा क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, क्यूब बनेगा तो ऑब्वियस है कि यहां से भी बन सकता है, ऐसे ऐसे से जॉइन करेंगे तो क्यूब बनेगा, बट ठीक है, ये डिस्टेंस को आर बोलेंगे, ये डिस्टेंस को आर बोलेंगे, और ये जो दिख रहा है क्यूब का एक लेंथ ही तो होगा, ये क्यूब का एक लेंथ है ना बच्चे, क्यूब में आपको सारी चीज़ें लेंथ ब्रेथ सब हाइट सेम होता है, तो ये ए हो गया, तो ये ए हो गया, तो सब ए रहेंगे। अब पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर की बात करें तो हमको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ए इक्वल टू टू आर है, मतलब आर इक्वल टू ए बाय टू है। बोलो समझ में आया, हर एक चीज़ क्लियर हो रही है? सेकेंड पॉइंट में आप बोलेंगे कि सर दूसरा पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है मुझे। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। अगर मैं डेटा पुटअप करना स्टार्ट करूँ तो 4/3 πr³ लगा दो आगे, पाए के बाद क्या है चेक करो जरा, पाए के बाद r है, r के मैं a/2 का पावर 3 कर देता हूँ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, जरा देख लो यहाँ पे कुछ कटना नहीं चाहिए, 4/3 πa³ / 2 4 2 8, तो 8 आ गया, 4 2 8 कर दो, 3 2 6 कर दो, मतलब फाइनली आंसर आ गया πa³/6। देख लो ये पैटर्न आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, देखो आ रहा है कि नहीं सब कुछ अच्छे से। अब इसके बाद क्या आएगा, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ध्यान देना। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है सर, अब हमको पता है कि इन एससीसी द नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स या स्फीयर, बोलो द नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1, सही बात है, एससीसी में नंबर ऑफ स्फीयर कितना था, 1 था, तो कॉमन सी बात है कि टोटल वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होगा वो 1 इंटू ये जो आपको दिख रहा है नीचे वही वाला वॉल्यूम ले लो, मतलब ये वाला वॉल्यूम इंटू 1 पार्टिकल, तो मतलब पार्टिकल कितने आ गए तुम्हारे पास, एक पार्टिकल की वजह से बोलो कितना वॉल्यूम आ गया, टोटल ये आ गया। अब हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 4 दैट विल पैकिंग एफिशिएंसी, चलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप बोलेंगे सर पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है ना वो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सही बात है ना, कन्फ्यूज नहीं हो रहे बच्चे, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
ऑक्यूपाइड इन यूनिट से लेकर दिखा सकते हैं। अब बोलो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना आया, तो आप बोलेंगे पाए ए क्यूब डिवाइड बाय 6 आया। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, बोलेंगे ए क्यूब आया, कट गया। अब इंटू 100 भी कर दो, नहीं तो भूल जाएंगे, इंटू 100 कर दो, ए क्यूब कट गया ना, बोलो क्या बचा, पाए अपॉन 6 इंटू 100, सही बात है, देख लो पाए अपॉन 6 इंटू 100, पाए का वैल्यू कितना होता है 3.142 ले लो डिवाइड बाय 6 इंटू 100। अब बोलो कितना आएगा, जितना आएगा उतना लिख दो, कितना आएगा 5 5 जा 30 ले लो, देख लो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 3.142 डिवाइड बाय 6 6 5 जा 30 1 6 2 जा 12 फिर 2 6 3 जा 18 बराबर ना 5.3 तो आ गया, आगे देख लो 12 में से 4 गया 8 गया 4 0 6 जा, मतलब कि आगे देखेंगे तो 6 जा 36 फिर 4 फिर 6 जा, मतलब 52.36 या 37 ले लो, तो 52 सर कैसे आ गया, आप बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो जीरो तो ऑलरेडी, देखो होता कैसे है कि ये जीरो पॉइंट आएगा, नो डाउट 0.52632337 रहेगा, बट इंटू 100 भी तो है ना बच्चे, तो बिकॉज ऑफ दिस 100 दिस बिकम्स 52.36%। डरो मत, मैं अच्छे से कराऊंगा इसको, बहुत से लोग बोलेंगे सर यही अच्छे से, ठीक है आपकी चॉइस है भाई, ठीक है अच्छे से लिखाऊंगा, मतलब आदत होती है यार, मतलब मजबूर हूँ मैं, चाहता हूँ कि बच्चों को ना एकदम अच्छा मिलना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी मतलब बेस्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तो ठीक है ये कॉपी कर लो, कुछ अलग अलग थोड़ी लिखाने वाला हूँ, ठीक है थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखो के जरा एकदम मज़ बोलते ना, एकदम फील आना चाहिए यार, आप लोग 12 साइंस वाले बच्चे हैं, है कि नहीं। चलो तो बात हो रही थी कि 52.37% आ गया, तो ये परसेंट जो है ना पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि इतना जगह जो है कि उस पार्टिकल ने कवर करके रखा है एसीसी के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलो अंदर स्पेस कितना बाकी है, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा दैट नियर अबाउट 47 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 52.37 है तो 47 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट मच परसेंटेज विल बी द स्पेस खाली है, मतलब आप समझ वैकेंट स्पेस है या वॉइड वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे देखो इतना सारा खाली है, दिख रहा है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे सब जगह होंगे ना जब आप अटैच करेंगे, तो इस तरह से 47 के आसपास क्या रहेगा, 100 में से माइनस करो, कराता हूँ मैं भी तो आपको बताऊंगा, चलेगा हट जाता हूँ, किसको कुछ देखना है स्पेसिफिकेशन तो आप देख सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो चलो अब इसका अच्छे से राइटअप देता हूँ, एकदम वेल प्रिपेयर्ड चकाचक एकदम, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, वेल प्रिपेयर्ड समझ में आ रही होगी, और मज़ा तो बहुत आ रहा होगा भाई, मज़ा तो यहाँ पे हंगामा है, चलेगा। चलो दिखाता हूँ इसका राइटअप, चलिए तो बात कर लेते हैं जो सिंपल क्यूबिक सेल है या फिर सिंपल क्यूबिक लैटाइस है उसके पैकिंग एफिशिएंसी की, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, अब बात करेंगे इसके राइटअप की, बहुत प्यारा सा कंटेंट होने वाला है, हर एक चीज़ मैंने वेल प्रिपेयर करा के दिया, पहले मैं हट जाता हूँ ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सके, क्लियर है। अब एक एक पॉइंट मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि भाई अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल या फिर सिंपल क्यूबिक लैटाइस, तो कहीं कहीं पे सिंपल क्यूबिक लैटाइस ये वर्ड आएगा, कन्फ्यूज मत होना सर एक ही चीज़ है। अब उसके चार पॉइंट्स है, तो पहला क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, तो ये डायग्राम है जो कि आपको ऑब्वियसली क्यूब का डायग्राम होता है, बट उसमें से आपने सिर्फ वही पॉइंट लिया है जो आपको पार्टिकल जो चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो चिपके हैं उसमें से आपने बोला कि ये दोनों बीच का जो लेंथ होगा, दो पार्टिकल के बीच का जो लेंथ होगा उसको हम ए बोलते हैं एज लेंथ, तो ये हो गया आपका ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर आर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 2 आर हम देख रहे हैं पार्टिकल से, तो आर इक्वल टू ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अब ये आर को हमने क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया, तो आर इक्वल टू ए बाई 2, इसका मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इसके हिसाब से चेंज होता जाएगा और हमको मिलेगा पाई ए क्यूब अपॉन 6, ठीक है। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आपको बोलना पड़ेगा, सिंस सिंपल क्यूबिक लैटाइस कंटेन्स ओनली वन आइटम, इसका मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो होगा उस पूरे स्पीयर का जो वॉल्यूम है उसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल रिमेन सेम, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 6 इनटू 100 विल बी 52.36%, मतलब कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इज 52.36% और 47.64% इज एम्प्टी स्पेस इन टर्म्स ऑफ वॉइड हो सकता है। सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, मैं हट जाता हूँ दोबारा से एक बार जरा देख लो, क्लियर है। तो बहुत प्यारा सा ये कंटेंट आपका सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक लैटाइस का जो बोलते हैं ना एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल आंसर है, वो मैंने यहाँ पे क्या कंप्लीट करा दिया, कोई कंफ्यूजन। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल की, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड सेल। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की जो होने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड लैटाइस, क्लियर है। समझ लो अगर ये आपने देख लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि यार क्या कंसेप्ट था ये, ठीक है। थोड़ा सा बोलते ना डिफिकल्ट तो है नो डाउट, लेकिन आपको बस ध्यान देना अच्छे से।
पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बना लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारा कंसिडरेशन है। देखिए ये मैंने क्या किया, एक प्यारा सा क्यूब बना लिया, देख लीजिए ये मेरा क्यूब है, यहाँ से मैं अटैच कर रहा हूँ जैसे आप हमेशा देखते हो, क्लियर है। चलो अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे दे दूँ शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो ये मैंने पार्टिकल्स रखे हैं आपको समझाने के लिए, ये हमारा क्या है, ये इस समय सिर्फ यूनिट सेल है। अब होता क्या है कि हम इसके बीच में मिडल में हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, आपको पता होगा बॉडी सेंटर का मतलब है कि जो इसका सेंटर पार्ट होगा वहाँ पे एक एटम रखेंगे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका सेंटर पार्ट हमने ये ले लिया है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, आप इन दोनों पार्टिकल के बीच में रखेंगे तो भी वो एक लीनियर में आएगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो, मतलब जनरली आपको एक सेंटर लेना होता है जो जनरली में दो पार्टिकल के बीच में आता है, ये वो अल्टीमेटली, क्योंकि जो हर जगह पे पार्टिकल है तो कहीं भी सेंटर आएगा तो दो पार्टिकल के बीच में ही आएगा। चीज़ें क्लियर हो रही है, जैसे अब ये पूरा पार्टिकल्स पार्टिकल्स है तो अंदर जब कहीं भी रहेगा तो दो पार्टिकल के बीच में सेंटर आएगा ना, तो यहाँ पर देखो दो पार्टिकल के बीच में आएगा, एक दो तीन अभी लगातार अटैच है। तो अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा मज़ा आ जाएगा। कंसेप्चुअल पार्ट चल रही है, अभी आपको कोई नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ अच्छे से। तो एक दो तीन पार्टिकल आपस में लगातार अटैच है, मतलब ये वन ये टू ये थ्री, चलेगा। इसको आपने ए नाम दे दिया, ये बीच वाला है सेंटर ले लो, सी ले लो, इसको हम ए बी सी डी एफ एफ ले लेते हैं। अगर टेस्ट बुक कोई फॉलो करा तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, अदरवाइज आप टेस्ट बुक देखेंगे कन्फ्यूज होंगे। कोई भी नाम ले सकते हो, नाम में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो बोलेंगे सर बुक में एफ लिखा था आपने बी लिखा है, तो चलेगा क्या, फिर वो आने लगते हैं टेलीग्राम पे मैसेज। यहाँ तक क्लियर है, चलो इनको कनेक्ट भी कर देता हूँ आपके लिए कि ये तीनों आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब हमको पता है, हमको पता है अगर आप देखेंगे ध्यान से कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए, ये वाला भी ए, ये वाला भी ए होता है, इनफैक्ट ये वाला भी ए ही होगा, ये वाला, मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा ए होता है क्योंकि यूनिट सेल के अंदर। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी ए होगा क्योंकि बीच में हमने वो सेंटर में वो पार्टिकल्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पूरा डिस्टेंस ए है जो कि चार आर के बराबर है। सर ये कैसे पता चला, चलो दिखाता हूँ मैं, देखो ज़रा ध्यान से मज़ा आ जाएगा। आर आर, देखो ये वाला डिस्टेंस हुआ कि नहीं, आर इतना, क्योंकि आगे जाएगा तो टू आर हो जाएगा ना, ये इतना आर हुआ। अब इसका एक आर यहाँ पे आया, एक आर यहाँ पे आया, दो आर हो गया, एक आर यहाँ पे आया, तो कितने आर हो गए, आर 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 और यहाँ पर भी आर, मतलब चार आर। तो ए इक्वल टू फोर आर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ बच्चे, इतना बेसिक से मतलब कि हर एक कंसेप्ट एकदम नसों में घुसेगा आपके, एकदम दिमाग के नसों में बैठेगा, बस आप देखते चलो। अब एक ही चीज़ को समझो पहले, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पार्टिकल से एक पार्टिकल निकला जो आगे जा रहा है। तो चलो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे ले लिया, एक पॉइंट ले लिया मैंने, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ एक पॉइंट है, मैंने इसको ई नाम दिया जो दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे, यहाँ पे देखो गया ना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ से मैंने एक क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है डी पे, और यहाँ से ध्यान देना जरा, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इसके ज्वाइन कर दिया, किसको, डी और ई को मैंने ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से ज्वाइन किया है। और आप देखेंगे ना, आप देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा पूरा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला पार्टिकल देख रहे हैं आप लोग, देखो ये F है, ये C है, ये A है, चलेगा। ये A से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन मिला हुआ है, ये वाला पार्टिकल भी मिला है, E वाला पार्टिकल भी मिला हुआ है, तो आपकी चॉइस है, आप E भी मिला सकते हो। अब हमने क्या किया है, हमने अब इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, फिलहाल इसको इस D वाले से मिला दिया, इस तरह से दिखाई दे रहा सबको, मुझे ए ई में इंटरेस्ट नहीं है, मिला सकते हैं लेकिन अगर आप बनाओगे तो कोई गलत नहीं होने वाला, ऐसे बना दिया कोई गलत नहीं होगा, एग्जिस्ट कर सकता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस आ सकता है, बट कुछ काम का नहीं होगा, इसका कुछ यूज़ नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे, सर इतना सब कर क्यों रहे हैं, बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ, इतना समझा, इतना समझा। अब जरा समझना है आपने, आपको हमें ये समझना है कि ये जो ई है ना, ई यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जो ई है ना वो इस ट्रायंगल के अंदर ई जो है वो 90 डिग्री है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 90 डिग्री पे प्लेस है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ए एफ डी जो दिख रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये D 90 है, इसका प्लेसिंग 90 ऐसे करके रखा गया है, इनके रखने का तरीका ऐसा है कि ये दोनों जो है कि अपने अपने जगह पे 90 बना रहे हैं। अब हम सर इतना क्यों काम कर रहे हैं, चलो मैं आपको पूछता हूँ, ये डिस्टेंस क्या है, ए एफ है, ए एफ का डिस्टेंस ए इक्वल टू फोर आ गया, अगर मैं ए एफ का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो उसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ ए एफ इक्वल टू मेरा फोर आर होता है, बराबर ना। अगर ए एफ का कोई वैल्यू मिल जाए मुझे सॉल्व करते हुए, तो ए एफ का जो भी वैल्यू मिलेगा उसको मैं इससे कंपेयर करके एक नया आर का वैल्यू निकाल सकता हूँ,
आ रहा समझ में? तो इसीलिए हम AF को ढूंढना है, हमें हमारा एम क्या है, AF को ढूंढना है। अब AF को अगर ढूंढना है आपको, देखो इस AF को ढूंढना है तो हमको ट्रायंगल क्या पकड़ना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये, देखो जरा दूसरा मार्कर चेंज करूं मैं, देखो यहां पे ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। अगर मुझे AF के ऊपर नजर बना के रखनी है तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये ट्रायंगल में क्या दिखाया जा रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये AF का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मतलब इन ट्रायंगल AFD में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री हमने मान लिया है, इनफैक्ट प्लेसिंग ऐसी की गई को 90 डिग्री पे, ठीक है। अब AF का स्क्वायर जो होगा, ध्यान से देखो जरा, AF का स्क्वायर होगा क्योंकि 90 के सामने ये वाला साइड आ रहा है, दिस प्लस दिस, तो मतलब क्या बन गया, AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। अब अपने डायग्राम में देखो AF क्या होता है, एक्चुअल में AF क्या होता है पता, सॉरी AD क्या होता है जरा चेक कर लो, AD क्या है, आप बोलेंगे सर पता नहीं AD क्या है, AD हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। FD क्या है, आप बोलेंगे सर FD भी हमको नहीं पता चल रहा है, AD तो इनफैक्ट आपको पता भी चलेगा मेरे ख्याल से, AD जो है कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस है ना, जैसे आपका ये वाला डिस्टेंस, वैसे AD भी क्या होगा पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा ना बच्चे, जैसे ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है इनके बीच का पार्टिकल, वैसे यहाँ पे भी पार्टिकल्स होगा, तो AD जो होगा आपका ए स्क्वायर ही होने वाला है, तो यहाँ पे रख देते हैं AD का ए स्क्वायर। FD हमको नहीं पता चल रहा है, FD आपको पता चल रहा है क्या, आप बोलेंगे सर ये भी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, नहीं ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है चेक करो, नहीं ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे तब आप बोलेंगे सर AF का स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ इतना ही मिला, तो एक काम करते हैं हम लोग FD निकालते हैं। FD कैसे निकालेंगे, FD स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है चेक करो, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लूँ छोटा वाला, देखो जरा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल FED एंगल इक्वल टू 90 एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इसके सामने का साइड FD है ना, तो FD स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए बराबर ना, मतलब EF का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, सॉरी DE का स्क्वायर चेक करो, DE का स्क्वायर है, क्लियर है। अब EF क्या है, तो ऑफकोर्स पार्टिकल टू पार्टिकल, ये भी पार्टिकल ठीक है, ये भी पार्टिकल इस तरह से। अच्छा आप बोलेंगे सर ये वाला पार्टिकल, बच्चे ये डिस्टेंस हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है याद रखना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डिस्टेंस बहुत, ये पार्टिकल तो है लेकिन बीच में आपको पता है गैप है, तो इसलिए हमने ये क्या क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस वाला नहीं आया जो हम सोच रहे हैं, ध्यान देखो यहाँ पे ये क्या है F है, तो ये F से ये वाला पार्टिकल हमको दिखाई दे रहा है, हाँ ये पार्टिकल है E वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस A हो सकता है। अब ये वाला पार्टिकल हमें नहीं पता कहाँ पे है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, इसीलिए ये F से D वाला पार्टिकल का डिस्टेंस A होगा ये हमें श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम इसको A नहीं लेते, ठीक है ध्यान देना इस सब चीज़ों का। अब EF कितना जरा चेक करो, EF आप बोलेंगे सर A स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं A स्क्वायर है, DE कितना है, DE भी A स्क्वायर होगा, पार्टिकल है, कोई गैप नहीं दिख रहा है, A स्क्वायर है, तो बोलो FD कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 2A स्क्वायर है, तो FD का स्क्वायर तो 2A स्क्वायर आ गया। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट अप कर दूँ तो जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, ये किसके बराबर है जरा चेक करो, ये AF के बराबर है, और AF किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे AF 4R के बराबर है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि 4R इक्वल टू, सही बात है ना, 4R इक्वल टू चेक करो, 4R इक्वल टू 3A का स्क्वायर, सही जा रहा हूँ मैं, जरा चेक करो एक चीज़ को समझते चलो अच्छे से कि हाँ सर एकदम सही जा रहे हैं। अच्छा वो भी जरा याद रखना, ये भी याद रखो कि ये AF का स्क्वायर है ना बच्चे, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, देखो 4R का स्क्वायर 3A का स्क्वायर कैसे आया, देखो यहाँ पे AF का स्क्वायर को सॉल्व किया तो 3A का स्क्वायर आया, AF इक्वल टू 4R, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से जाना पड़ेगा। अब अगर हम रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लेकिन इसका रूट आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, देखो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये 4R ये वाला रूट कट गया, इसका भी A का रूट कट गया, A का तो स्क्वायर कट जाएगा लेकिन 3 का रूट आ जाएगा, तो R इक्वल टू क्या मिला, 3A/4, मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सबको, मतलब R और A का रिलेशन में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, मतलब ये R निकालने का इतना लंबा प्रोसेस हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो वही। अब R मिल गया तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बोलो 4/3πr³, तो बोलो कैसे निकालेंगे, 4/3πr³ मतलब √3a/4 का क्यूब, सही बात है देख लो जरा, तो 4/3π √3 √3 √3, तो मतलब 3√3 आ जाएगा, इंटू a³ डिवाइड बाय 16 64, मतलब 64 आ गया, समझ में आ रहा है कि ना हर एक चीज़, देखो तो ये 3 कट गया, अब क्या बचा जो देख लो जरा, जो बच रहा है तो अब क्या बच गया, बोलेंगे 4 बचा और इसको कट कर दो 16 बच जाएगा, मतलब आंसर आ गया फिलहाल के लिए π a³√3, मतलब π√3 या 3√, जो भी बोलो आप, π√3 a³ / 16, चेक करो इतना मिल रहा है,
चेक करो, देखो पाई बचा, हाँ रूट थ्री बचा, हाँ ए क्यूब बचा, हाँ 16 बचा। अब बीसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, तो ऑफ कोर्स दो पार्टिकल होते हैं, जिसको दो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब 8 आ गया। तो पाई ए क्यूब रूट थ्री डिवाइड बाय 8, मतलब ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है, ये टोटल पार्टिकल आ गया। भाई शॉर्टकट में जा रहा हूँ मैं अभी समझाने के लिए, बस अभी ये डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या होता है, टोटल पार्टिकल क्या होता है, ए क्यूब ले लो, ए क्यूब कट गया, इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा दैट विल बी द परसेंटेज। चीज़ें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से, समझ में आया। ये थोड़ा सा मैंने ना रिवर्स प्रोथ पैटर्न लिया, बुक में देखें तो पहले ये दिया है फिर ये दिया है, पर आपको मैंने समझाया कि ये सब करते क्यों है। AF हमारा एक मेन सोर्स होता है, वहीं से हमको क्या होता है सारी चीज़ें हमको पता चलती है कि हाँ AF4R है, तो वहीं से मैं चीज़ों को क्या करता हूँ एनालाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ कि अरे हाँ यार ऐसा हो सकता है कि AF इक्वल टू अगर 4R है तो फिर R का रिलेशन AF के साथ में कुछ निकालेंगे तो कुछ अच्छा सा तड़कता भड़कता मिलेगा, जो आपको मिलता भी है। क्लियर है, चलेगा। तो समझा दूँ मैं आपको BCC बॉडी सेंटर्ड सेल का बहुत ही मज़ेदार कंटेंट, जो आपको एकदम अच्छे से लिख के दूंगा, वेल प्रिपेयर करा के दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और लिखना स्टार्ट करते हैं BCC का पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन। चलो दिखाता हूँ, ये तो चलते हैं अपने BCC जो पैकिंग एफिशिएंसी हम सीख रहे हैं BCC के, उसके बोलते ना राइटअप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम लिखने वाले हैं। देखिए हर एक चीज़ मैं वेल प्रिपेयर्ड लिखा के दे रहा हूँ, इस उम्मीद में कि हर एक बच्चा जो है कि स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके हर एक कंटेंट को अपने नोटबुक में लिख रहा होगा। देखिए मैं मार्किंग दे सकता था कि भाई टेक्स्ट बुक है उसमें से मार्किंग कर लो या उसमें समझ जाओ, बट वो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता यार, कि 12th के बच्चे हैं अभी 11th से 12th में गए हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती मेरे भाई, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए हर एक कंटेंट को मैं वेल प्रिपेयर्ड लिखा के दे रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से लिखते जाइए, और एक आप देखेंगे एंड ऑफ द जो आपका चैप्टर होगा ना बहुत प्यारा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मैं हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, ले लो यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको अगर लग रहा है कि पॉज करके लिखना है तो पॉज करके लिख लो। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड सेल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेड लाइन मार्किंग किया है आपके लिए कि बॉडी सेंटर्ड, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बॉडी सेंटर्ड सेल ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बॉडी सेंटर्ड का हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। अब हमको चार स्टेप्स पता है कि पहले रेडियस निकालना होता है, फिर उसके बाद हमको निकालना होता है वॉल्यूम, फिर उसके बाद हमको निकालना होता है टोटल वॉल्यूम, और उसके बाद निकालना होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैंने ट्राई किया कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है कि इस बोर्ड में ही आ जाए, हालांकि बोर्ड बहुत छोटा है, चाहता तो नहीं कि मैं छोटा बोर्ड लगाऊं, बट ठीक है आप अभी जो है वो है क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को अरेंज किया हूँ। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ ए स्फीयर की अगर मैं बात करूँ, रेडियस ऑफ ए स्फीयर की बात करूँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये AF इक्वल टू 4 आ रहे हैं ना, तो हम इस R की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं AF का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो उसको मैं R से रिलेट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे AF निकालना होगा। AF निकालने के लिए पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, जरा देखो यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, देख लो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, क्योंकि मैं आप थोड़ा सा इसमें समझाने वाला हूँ। ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दिख रहा है ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा AF के लिए। अब इस AF में हमको क्या मिल रहा है, FD मिल रहा है, जिसके बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो FD को निकालने के लिए हमको छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो ये वाला ट्रायंगल, तो अब ये ट्रायंगल पहले हमको लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, FD मिलेगा। मैंने वही काम किया, देखो इन FED दिख रहा है, अब ई वाला 90 होता है, ऐसे प्लेसिंग की जाती है, तो ये FD का स्क्वायर प्लस दिस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये मिल गया। अब इससे हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू a होता है, आपको बताया था ये वाला भी a होता है, डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच का, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 2a स्क्वायर, FD का वैल्यू मिलकर 2a स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब हम बड़े ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, और बड़ा ट्रायंगल जो उसमें डी वाला जो वैल्यू होता है वो 90 होता है, तो उस हिसाब से 90 के सामने वाला बंदा ये आपका हाइपोटेनस हो गया, मतलब AF का स्क्वायर इक्वल टू FD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, FD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। FD जो होता है वो हमको पता नहीं था, बट यहां से हमको पता चल गया कि 2a का स्क्वायर माना जाता है, चलेगा। और ये जो होता है आपका AD का स्क्वायर, जरा देख लो कहाँ पे AD का स्क्वायर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट विल बी सिंपल A स्क्वायर। क्लियर है, ऐड किया तो 3A का स्क्वायर आ गया, तो AF इक्वल टू 3A का स्क्वायर। अब हमें पता है कि AF किसके बराबर है, 4R के बराबर है, दिखाई दे रहा है सबको, AF किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो अगर मैं इसका क्या ले लेता हूँ, रिप्लेसमेंट करता हूँ कि यार AF जगह पे 4R है, तो एक काम करो AF जगह पे 4R रख देता हूँ, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना है आपको 3A का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज है सर स्क्वायर रूट का मतलब क्या, स्क्वायर का रूट का मतलब है कि आपको पावर हटाना है, तो अगर आप ये पावर हटाएंगे पूरा तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा, दिखाई दे रहा है, और इसका जब पावर हटेगा तो सिर्फ ये पावर हटेगा, ये रूट में चला जाएगा। बोलो समझ में आया, यही चीज़ होती है जो गड़बड़ करते हैं लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा एक साथ में मान लेते हैं, बोलते 3A बचा, गलत है ऐसा, सिर्फ A के ऊपर पावर है ना, तो ये A का ही पावर गायब होगा,
थ्री का तुरंत रूट बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, हर एक चीज समझ में आ रही है, एकदम बारीकी से लेकर जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो रूट लिया तो मुझे ये मिल गया। अब इसके बाद का जरा इक्वेशन देखो मैंने कहाँ लिखा है, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, एरो दिखाया मैंने, तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये फोर नीचे चला जाएगा तो मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा इस तरह से, रूट थ्री ए अपॉन फोर चलेगा, ये मुझे आर का रिलेशन मिल गया। अब हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होने वाला है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो कॉमन सी बात है, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब वो फिक्स रहेगा, आर की जगह पर हमको ये पूरा वैल्यू डाला गया है जो आप देख सकते हो। अब थ्री का रूट क्यूब रूट बोला है, मतलब सॉरी रूट थ्री का क्यूब बोला है, जरा ध्यान से देखो, मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, चीज़ें समझ में आ रही है? तो रूट थ्री तो थ्री हो गया, अब ये रूट थ्री बचा रहेगा, तो रूट थ्री का क्यूब जो होगा, रूट थ्री का क्यूब जो होगा वो थ्री रूट थ्री होगा। ये समझ में आया सबको अच्छे से? हर एक चीज़ देखो एकदम एकदम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, नहीं मैं ये अज्यूम नहीं करके नहीं चलता हूँ कभी भी, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि भाई बच्चे एकदम ग्राउंड लेवल से आ रहे हैं। और नो डाउट, देखो मैंने पहले मेरे कई लेक्चर में मैंने बोला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। तो अगर आप बोलेंगे सर ये थ्री रूट थ्री कहाँ से आ गया, भाई ये क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो तेरे को पता होना चाहिए, अरे कैसे पता होगा, कैसे पता होगा, क्वेश्चन है भाई, आपको आंसर देना है। तो मैं जो है कि ग्राउंड लेवल पे अज्यूम करके चलता हूँ कि अच्छा बच्चों को यहाँ पे भी डाउट आ सकता है, बच्चे यहाँ पे भी फंस सकते हैं, अच्छा बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है, तो उस एंगल से मैं हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई थ्री रूट थ्री तुम्हें पता होगा, अरे नहीं पता हो सकता है, कभी कभी याद में नहीं रहता है, कभी कभी समझ में आता है कि यार वो ऊपर रूट थ्री था, अचानक से थ्री रूट थ्री कहाँ से कैसे आ गया, नहीं दिमाग में आता है, और उसकी वजह से फिर आपको घंटों बर्बाद होते हैं, फिर ये वीडियो छोड़ के कोई और वीडियो देखते हो, फिर आप बहुत सारा यहाँ वहाँ सर्च करते हो, फिर पता चलता है कुछ समझ ही नहीं रहा क्या करो यार, मेरे एक कंसेप्ट की वजह से पूरा बोलते ना कंसेप्ट आपका रुका हुआ है, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, बहुत बार होता होगा। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि सर इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें क्यों बता रहे हो। तो ये हो गया रूट थ्री, और थ्री रूट थ्री बाद में ए क्यूब वैसे का वैसे रहेगा, और ये फोर का हो जाएगा फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर। अब देखो फोर से कट गया तो सिक्सटीन आ गया, थ्री थ्री कट गया आपस में, तो ये मुझे मिल गया मेरे स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर है? अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। अब हमको तो पता ही है कि बीसीसी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, दो आइटम्स होते हैं या दो पार्टिकल्स होते हैं। अब दो आइटम होने की वजह से या दो स्फीयर होने की वजह से इसमें हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 2 8 या 16 कट के 8 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू मिला है वो हमें टोटल वॉल्यूम मिल चुका है स्फीयर का, मतलब यूनिट सेल के अंदर इतने लोग जो है कि इस समय जगह कवर करके रखे हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब कि जितने लोग ने घेर के रखा है आइटम लोगों ने उनका उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल, कितनी जगह है टोटल। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, जगह कम है यार, कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे लेकिन क्या करें, चलो ठीक है। पाए टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाए रूट थ्री ए क्यूब, फिर ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उसका ए क्यूब। देखो बहुत से लोग कन्फ्यूज, सर दो दो नीचे कैसे आ गया, देखो ये बच्चे अपॉन एट पहले से था, मतलब ये देखो जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ ना, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, आपके लिए कर रहा हूँ अच्छे से। ये जो जिसको मैंने रेड से किया ना वो एक्चुअल में ये टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, डिवाइड बाय ये डिवाइड किया मैंने, देखो डिवाइड किया मैंने इसको, डिवाइड किया टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट विल बी ए क्यूब। समझ में आया? तो ए क्यूब कट गया, और इस पूरे को 100 से जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 68 आता है, 67.9 आता है, बट एज अ 68 कंसीडर करते हैं। आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सॉल्व ना करके आप याद कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, पाई 3.14 रूट 3 देखना पड़ेगा, अभी मुझे भी याद नहीं है, बट 1.71 शायद ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये वैसा हो जाएगा या 1.73 होगा शायद, बराबर। फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 8 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके तो आपको मिल जाएगा 67.9 समथिंग, दैट इज इक्वल टू 68। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पे फाइनल आंसर, दस द पार्टिकल्स इन बीसीसी इनफैक्ट ऑक्यूपाई 68% ऑफ द टोटल स्पेस, मतलब यूनिट सेल में जो टोटल जगह है उसमें से 68% एटम ने कवर कर लिया है, और बचे हुए 32% जो है वो एम्प्टी स्पेस है बिकॉज ऑफ वॉइड। चीज़ें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, मैं हट जाता हूँ, दोबारा एक बार आपको देखना है, समझाना है, जो करना है कर लो यार, आपके आपका ये चैनल है, आपका ये लेक्चर चल रहा है, कोई मेरा लेक्चर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपका ही लेक्चर चल रहा है। बोलो कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ यार, मतलब एकदम अंदर रगों में बोलते ना खून दौड़ रहा है एकदम, अब तो एकदम फाड़ देंगे बुक को, पढ़ पढ़ के यार, पढ़ पढ़ के फाड़ेंगे, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो और ब्यूटीफुल होने वाला है, और धमाकेदार होने वाला है, और मज़ेदार होने वाला है, और वो कंटेंट आज के लिए लास्ट भी होने वाला है, क्योंकि वो रहेगा एफसीसी के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी एक ही लेक्चर में करा रहा हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो और अपने यहाँ तक ही रखे हो तो भाई ऐसा मत करो यार, शेयर करो, सबको बताओ, जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट में है सबको बताओ क्या ब्यूटीफुल चैनल है, क्या कंटेंट मिला है। ठीक है, चीज़ें अच्छे से हो रही है तो बताने की कोई हर्ज नहीं है, कोई यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं कर करें हम लोग, कोई गलत चीज़ नहीं, कंसेप्ट नहीं बता रहे, कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है कि सिर्फ आपको बस कुछ भी दो क्वेश्चन करा के आपको बस गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो सिर्फ आपको आके बस दो हमेशा मोटिवेशन ही देंगे, हमेशा प्लानिंग ही देंगे आपको, मतलब 30 दिन में ये करो, 20 दिन में ये करो, अरे पहले आप तो कराओ, आप तो पूरा सिलेबस अपने चैनल पर डालो, फिर हम प्लानिंग करेंगे,
मैंने हमेशा बोला है, आज के लेक्चर में भी मैंने यूट्यूब पे बोला था कि भाई सक्सेस कब मिलती है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। इफ आर थिंकिंग ओनली फॉर स्मार्ट वर्क, प्लानिंग करते रहेंगे तो हो गया कल्याण आपका, प्लानिंग ही करते रहो जिंदगी भर भाई। प्लानिंग के साथ में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और उससे आप नहीं भाग सकते हैं। देयर इज नो अल्टरनेट फॉर हार्डवर्क। अब मैं बोलूँ कि नहीं ठीक है प्लानिंग करता हूँ, आज बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगा और घर पे सोए रहूँ, बन जाएगा वीडियो? नहीं ना भाई, आना पड़ेगा स्टूडियो में, आना पड़ेगा, चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, कंटेंट को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों को पढ़ाना है तो क्या करना है, कैसे और अच्छे से इसको करूँ, ठीक है मतलब करना पड़ेगा। ये होता है हार्डवर्क। आप घर पे सिर्फ बैठ के स्केच से प्लानिंग बनाएंगे, आज जो है 3 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे और वही पुराना वाला हिसाब किताब, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्लानिंग तो करना है नो डाउट, बट उसके साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो दिखाता हूँ आपको FCC का पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए तो बात करते हैं FCC के पैकिंग पैकेजिंग वाला जो कंसेप्ट है उससे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप समझ जाएंगे आपको मजा आ जाएगा। और समझ में कब आएगा? जब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, इस कंटेंट को अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, सब कुछ एकदम फिट बैठेगा दिमाग में, बस आप देखते चलो मेरे साथ में। चलिए सबसे पहले मुझे रेडियस निकालना होता है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बना लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। तो एक मैंने क्यूब बना लिया, देख लो इस तरह से, ये मैंने क्यूब ले लिया। हर एक का अपना एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि ठीक है बिना प्रैक्टिस किए मैं सिर्फ वीडियो देख के गया और मैं एग्जाम में लिख दूंगा राइट, तो ये आपकी गलत फहमी है। पहली बात क्लियर कर ले रहा हूँ, वीडियो देखने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अच्छा ऐसे से करना है, बट उसको एक दो बार लिखने के बाद, आप प्रैक्टिस करने के बाद, तब आप ट्रेंड होते हो, तब आप जो है कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये एक पार्टिकल्स यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये सब पार्टिकल्स ऑफकोर्स आपको सब पता ही है, ठीक है ये सब क्यूब होते हैं, इस तरह से होते हैं, चलेगा। अब मैं जरा लेबलिंग कर देता हूँ कि हमें इस रेडियस को जानने के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड सेल में जो रेडियस है उसको जानने के लिए, स्पेयर रेडियस जानने के लिए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोलते ना कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करने वाले हैं। पॉइंट्स क्यों लेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जरा ये पॉइंट्स दिख रहा है आपको, ये वाला पार्टिकल्स ये लेने वाला हूँ, इसको मैंने ए नाम दे दिया है। यहाँ से यहाँ ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ सी पॉइंट है ये, और ए और सी के बीच में एक और पार्टिकल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है नंबरिंग नेमिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब मतलब आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए है, ए से कोई एक पॉइंट है बी, देखो ये ए था, देख लो दोस्तों को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से बी है, फिर ए जो होगा वो एक और पॉइंट से अटैच है तो एक और पॉइंट से अटैच कर दिया जो सेंटर होगा, फिर ये वाला इससे अटैच होगा तो इसको भी अटैच कर दो, ये जो होगा ऑफकोर्स ये सी वाला काम करेगा। कैसा काम करेगा? सी वाला काम करेगा। थोड़ा सा मैं और क्रॉस में लूँ जरा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ये क्या होगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा और क्रॉस में जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है अब सही है, क्योंकि यहाँ से ऐसे आएगा तो इसके अंदर आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ तो प्रैक्टिस करनी होती है आपको, ये देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से आएगा तो इसके ऊपर ये इस तरह से आएगा, थोड़ा बड़ा बना दे जरा डायग्राम ऐसा, ठीक है और इसके बीच में एक पार्टिकल्स होगा जो आपको ऑफकोर्स इस तरह से रहेगा। क्लियर है कौन सा पैटर्न मैंने बनाया, जरा देख लो वापस से, देखो ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स, यही मैंने बनाया। आप बोलेंगे सर ये चिपका क्यों है? अरे बच्चे यहाँ पे चिपका इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्टडी पर्पज़ के लिए दूर दूर सीखते हैं, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बता रहा हूँ कि हम स्टडी पर्पज़ के लिए दूर दूर रखते हैं, बट एक्चुअल में जो क्रिस्टल होता है, जो सॉलिड होता है, तो चिपका होता, चिपका ही रहता है ना एक दूसरे से, तो चिपके हुए रहते हैं इस तरह से। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर एक्चुअल में इसका डायग्राम ऐसा होता है, देख लो जरा क्लियर है, तो ये पॉइंट्स ये हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ए से सी का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये आर है, यहाँ पे आर आर आ गया और ये वाला पार्ट भी आर है। बोलो समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया ये भी, ये 4R का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब होता क्या है कि सर यही कंस्ट्रक्शन क्यों उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो कॉर्नर के ये जो पॉइंट्स हैं आप देखेंगे तो इस फेस के अंदर आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये दिख रहा है, ये फेस है, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, ये दिख रहा है, तो ये फेस पे यूज़ हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे भी, देखो ये फेस में यूज़ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और हम फेस से तो डील कर रहे हैं, हम किससे डील कर रहे हैं, फेस से तो डील कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल भी देखो फेस से डील हो रहा है, और ये कॉर्नर वाला जो है उन दोनों फेस वाले कॉर्नर वाले को मतलब सॉरी ये सेंटर वाला जो है उन दोनों कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, ऑफकोर्स दोनों को टच करेगा। तो ये डायग्राम आपको समझना है, तो आपको ये नहीं बनाना है, आपको सीधा ये बनाना पड़ता है। तो अब जरा मैं इसको रफ करता हूँ, सीधा ये इस पर आता हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग को सिर्फ समझाने के लिए मैं ये क्यूब वाला बना रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्या करना होगा एग्जाम में, अगर बनाना है तो एग्जाम में सीधा सीधा ये बना दो 1 2, ज़्यादा छोटा बड़ा मत करना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सेम साइज़ का, आपके पास तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं सर्कल बनाने के लिए, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 क्लियर है? आप बोलेंगे सर ये ए है, ऑफ कोर्स
ये सी है नो डाउट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो आपके रेफरेंस के लिए कि कैसे लाइन ड्रॉ करूँ कि मेरा सी के बीचों बीच में आके यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे चले एक अंदाजा ले लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से इसको जोड़ दिया मैंने, दैट विल बी, आप अलग मार्कर से दिखा दो, दिखा दो मतलब अलग पेंसिल से दिखा दो, आपकी मर्जी है, ऐसे दिखाना। दैट डिस्टेंस विल बी 4R, क्लियर है। डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये 90 डिग्री लग रहा है, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री है, चलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है, मैं आपसे बोलूँ कि चलो इन ट्राइंगल ABC आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि एंगल B जो है वो 90 दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब एंगल B 90 है तो ऑब्वियस है, AC का स्क्वायर क्या होगा बोलो, तो आप बोलेंगे सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये B क्या था, ये भी तो पार्टिकल ही था ना बाजू में, याद है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। B मैंने आपको दिखाया था अभी, जो इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था क्यों वाला, वो भी पार्टिकल था। तो A से B पार्टिकल मतलब ये डिस्टेंस A होगा, B से C पार्टिकल मतलब ये डिस्टेंस भी A होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस A है। तो आंसर आ गया A² + A² दैट इज AC² = 2² मुझे AC का रूट ले लो तो बन जाएगा AC = √2A, नहीं समझा, इसका रूट ले लिया और ये 2 कट जाएगा, चलेगा। अब AC किसके बराबर है, 4R के बराबर है, तो √2/A, तो R = क्या मिल गया, √2A/4, चीज़ें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से। कोई डाउट है कहीं पर भी देख लो, ये समझा रहा हूँ अभी मैं, करके दिखाऊंगा आपको कैसे सब होता है, मतलब नोट्स लिखा के दूंगा बट चीज़ें समझ कर रखो कैसे हो रहा है सब, चलेगा। कैसा होता मालूम है, मैं अब बोले सर दो दो बार क्यों करते हैं आप, देखो एक स्टूडेंट्स की ना एक मेंटालिटी होती है, अगर मैं एक ही बात लिख दूं और उसी को मैं हाईलाइट करके ऐसे बता दूं ना, तो लोग उसको अलग वे में लेने लगते, ओ सर कोई डेरिवेशन नहीं रहा तो सर ने इसको पहले लिख लिया फिर उसी को पढ़ा रहे, जो मैंने देखा है भाई, मैंने देखा ही है। तो वो फेज जो है ना, सब ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसा लगता है, फील होता है, मतलब कि अब आप खुद फील करते हो जब PPT से लोग पढ़ाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि PPT वाले बंदे लोगों का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, बट कैसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार PPT से देख के तो पढ़ा रहे, कुछ भूल गया तो भी PPT में लिखा हुआ है, बस टाटा टाटा बता दिया। वैसे ही जब मैं पहले लिख लेता हूँ तो उसमें क्या होता है कि ठीक है ऑलरेडी मैंने लिखा ही है, उसी को बस पढ़ के सुना देता हूँ आपको, बट अभी तो कुछ नहीं लिखा है ना, तो अभी आपको समझ में आता है कि अच्छा ये स्टेप्स हो रहा है, अच्छा अब इसके बाद ये स्टेप्स हो रहा है, अच्छा हाँ ये स्टेप्स हो रहा है, तो चीज़ें समझ में जाती है, दिमाग की नसों में जाता है भाई, तब आ रहा है समझ में। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको उससे खुशी मिलती है, आपको समझ में आता तो मेरे लिए मतलब नहीं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। बोले यहाँ पे R = क्या मिल गया, ये मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको √2 × √2 कर देता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे यार थोड़ा ये 4 और छोटा हो जाएगा, देखो √2 × √2 क्या, तो √2 क्या बन गया, 2 बन जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, तो R = बन जाएगा 2 × A/4√2, दिखाई दे रहा है 4 है ये √2 है, अब ये 2 से 4 कट कर दो 2 टाइम्स, तो R = क्या मिल गया, A/2√2, बोलो समझ में आया, R का फॉर्मूला क्या मिला यहाँ पे, R का फॉर्मूला ये मिल गया भाई, R मिल गया। अब तो हमको क्या निकालना है, अब तो हमको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³ कितना R हो गया, 4/3 πr हो गया A√2³ देख लो जरा ध्यान से, कैसे करेंगे, 4/3 करेंगे, पाई करेंगे, ए का क्यूब क्या होगा बोलो, तो A का क्यूब जो है वो कुछ ऐसा देगा, अच्छा A कहाँ से आ गया, रूट A चला गया क्या, हमें गड़बड़ कर दिया यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो सर क्या चल रहा है, 2 ये 2 हो गया, A तो नॉर्मल था ना बच्चे, रूट कहाँ से आ गया, क्या बोलने का यार, बच्चे बोलेंगे सर कहाँ से बताएं, कमेंट में लिख देगा आपको आके, चलो यहाँ पे A का रूट नहीं है, सिर्फ A क्यूब है, अब सही है देख लो जरा, तो A√2 इसका क्यूब लिया, तो A का क्यूब 2 का कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 और 2√2 का क्यूब, तो 2√2 तो ये हो जाएगा 2 और ये 2√2 मतलब 2√2 आ जाएगा वापस से, तो 2√2 8 × 2 = 16 4 से कट कर दो इसको 2 आ गया, 2 × 2 = 4 × 3 = 12 मतलब आ गया πa³ = √2 बोलो समझ में आया। ये तो हमारा वॉल्यूम निकला किसका, एक स्फीयर का। अब आपको तो पता है कि FCC में कितने लोग बंदे होते हैं, FCC में टोटल 4 बंदे लोग होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12 हो गया, मतलब क्या आ गया πa³ 4³ = 12 ना, तो इसको 3 ले जाए, तो 3√2 आ गया, बोलो समझ में आया। ये क्या मिल गया सर, ये मिल गया आपका टोटल स्फीयर, टोटल वाला स्फीयर। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये तो बच्चों वाला काम है यार, इसको A³ से बस डिवाइड कर दो और क्या, ये कट जाएगा, ये सब बन जाएगा, चलेगा, कुछ 74 के आसपास कुछ आता है। चीज़ें समझ में आ गई एकदम अच्छे से, कोई डाउट है किसी को लिखा के देता हूँ अच्छे से, वेल प्रिपेयर्ड एकदम। बोलेंगे सर ये तो आपने कराया ही नहीं, हम कैसे करेंगे, अरे लिखा के दे रहा हूँ ना मेरे भाई, रो क्यों रहे तुम लोग,
रोने लगते हैं, थोड़ी सी बात होगी रोने लगेंगे, पता नहीं क्यों यार इतना सेंसिटिव तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका राइटअप बहुत अच्छे से लिखा के दूंगा, वेल प्रिपेयर करा के दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेरे चैनल पे हो, एकदम चीज़ें एकदम स्मूथ और एकदम अच्छे से आ रही हैं। हाइपर मत हो जाओ, बहुत से बच्चे हाइपर हो जा रहे हैं, अरे सर लेक्चर नहीं आया। भाई क्वालिटी लेक्चर बनता ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार क्वालिटी लेक्चर आपके पास पहुँच रहा है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब एक बार देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपको 10 जगह भटकना पड़ रहा है, यार इसमें नहीं समझा, दूसरा वीडियो देखो, दूसरा चैनल देखो। आप एक ही जगह से ट्रस्ट करके उधर ही बने रहो, और अगर कोई चैनल उस चैनल पर अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो मेरे भाई लेक्चर आएंगे, थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट पर जरा फोकस कर लिया करो। ऐसा नहीं कि लेक्चर नहीं आएंगे, लेक्चर बनते हैं डेली, ठीक है। अपलोडिंग वोडिंग थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग अपलोडिंग सब अकेले करता मेरे भाई, ठीक है। तो चलो शुरू किया जाए इसका राइटअप। चलिए तो बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, उसका राइटअप क्या हो सकता है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। रेडी है सब लोग? चलिए मैं हट जाता हूँ पहले, जिनको फोटो क्लिक करना है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एकदम अच्छे से, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। इसी चीज़ को मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, जो लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए थे, अगर इनर केस, ठीक है, पैटर्न वही है यार, कुछ अलग नहीं किया मैंने, क्लियर है। चलो अब दिखाता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड सेल, मतलब एफसीसी की बात हो रही है, और हम पहले निकालने वाले रेडियस ऑफ स्फीयर या पार्टिकल बोल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बात किया था कि जब आप यूनिट सेल लेते हो या क्यूब जैसा सेल लेते हो तो उसमें ए और सी के बीच में एक और सेल होता है जिसको हम कनेक्ट करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं 4R का वो पैटर्न दिखाएंगे, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपको AC वाला 4R दिखाएगा, और ए और बी के बीच, मतलब ए और बी में भी, ए के बाजू में भी बी वाला पार्टिकल होता है जिसको हम ए से ना दिखा सकते, तो अगर आपको बोलना है तो आप इसको ए बोल सकते हो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने पाए, ये ए है ये भी ए है, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल आएगा तो अल्टीमेटली दोनों क्या होंगे, यहाँ का डिस्टेंस ए, यहाँ का डिस्टेंस ए, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में जो बी होगा वो 90 डिग्री है, उसके हिसाब से पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे, तो AB² + BC का स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा AC² = 2A², क्लियर है। अभी रूट ले लेंगे तो AC = ये रूट में आएगा, ये पावर कट जाएगा, तो इसका 2√ आ जाएगा, और ये A वैसे का वैसे रहेगा। अब हमको पता है कि AC जो है 4R के बराबर है, तो AC = 4R है, तो R = 4 नीचे जाएगा, तो √2A/4। अब मैंने क्या किया, √2 √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो √2 √2 जो है आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, √2 √2 बन जाएगा 2, और ये A वैसे का वैसे ही है, और ये 4√2 वैसे का वैसे, बट ये 2 जो ऊपर वाला है उस 4 को कैंसिल किया, तो आंसर मिल गया A√2, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 4/3πr³। आर क्यूब का मतलब ये पूरा क्यूब लेना है, मतलब A√2 का क्यूब करना है, तो A√2 का क्यूब करना है, A का क्यूब हो जाएगा सीधा A³, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इस √2 का जो क्यूब होगा वो 2√2 होगा, तो इस 4 से कट किया तो 2 आ गया, 3 × 2 = 6, 2 × 12, तो 12√2 आ गया, ये मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, दैट इज एक स्फीयर का जो, या एक एटम का जो वॉल्यूम होता है। अब ऐसे हमारे पास कितने एटम है टोटल की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे हमारे पास FCC में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि FCC जो उसमें 4 एटम होते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि सर ये कहाँ से आया। अब ये अगर आप पूछ रहे हो तो आप जरा पीछे जाइए और पीछे के लेक्चर देखिए, क्योंकि बेसिक्स में जो स्टार्टिंग हुआ था चैप्टर का, वो सब यही सब सिखाया था कि सिंपल क्यूबिक में कितने सेल होते हैं या कितने आइटम होते हैं, BCC में कितने आइटम ऑक्यूपाई किए जाते हैं, FCC में कितने आइटम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बेस सेंटर्ड भी था अगर आपको याद होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ गया π³³√3 चलेगा, यहाँ से देखो 3 × 2 = 3, 4 × 12 किया, तो इस तरह से मिल गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मतलब वही जैसे हम हमेशा करते थे × 100। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो, चलेगा। अब देखो रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो ये जो है ना ये ऊपर वाला है, दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला है, मैं मार्क कर देता हूँ, और ए क्यूब जो है ना वो ये डॉट कर देता हूँ, ये नीचे वाला ये डॉट कर देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो डिवाइड किया गया ए क्यूब कट गया, फाइनली π³√2 बचा, π³√2 बचा × 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.74 आता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74% आ जाएगा, चलेगा। ये सीधा सीधा याद कर लो क्योंकि आपको फैक्चुअल थिंग्स जैसा होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि FCC में, जिसको हम CCP भी बोलते हैं, जिसको हम HCP में भी यूज़ किया जाता है, FCC, CCP या फिर HCP में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नियर अबाउट 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं टोटल स्पेस का, और 26% जो होता है वो आपको एम्प्टी स्पेस होता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर। मैं हट जाता हूँ एक बार, जरा देख लो, क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट बचे किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है कि नहीं, एकदम धमाकेदार बोलते ना कंटेंट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल से बोलो, दिल से आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। जब ये चैनल, इस चैनल पे जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो जितने भी 12th के बच्चे देख रहे हैं या जितने भी MSTCT वाले बच्चे भी, अगर अपने रेफरेंस के लिए देखने की, ठीक है कंसेप्चुअल चीज़ चल रही है जरा मैं देख लेता हूँ, तो एक बार दिल से आप लोग कमेंट करके बताइए कि रियली आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ कंटेंट एकदम बोलते ना मस्त मिल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब कि बहुत अच्छा मिल रहा है, यूट्यूब के ऊपर बेस्ट
चैनल हो सकता है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए प्लीज़। और चैनल को तो यार बहुत ज़्यादा पहुँचाइए आप लोग, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि देखिए अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इसको जितना ज़्यादा हो सके महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुँचा दें, ताकि जो बच्चे अभी भी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, कंटेंट के बारे में नहीं पता उन्हें, तो एटलीस्ट वो कंटेंट उनको लगातार मिलते रहे, वो कंटेंट वो क्या करें उसका जो बेनिफिट जो आप ले रहे हो, वो आपका दोस्त आपका फ्रेंड आपका भाई भी उस बेनिफिट को ले और अच्छे मार्क्स से क्या करें अपने आपको अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, चलेगा। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, अगले लेक्चर में और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक आप बहुत सारे स्टडी कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके भाई शेयर कर दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।